गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने वोल्टेज कंट्रोल मेथड्स पढ़ी थी और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि क्या उसमें इम्पोर्टेंट है कि वोल्टेज कंट्रोल किस किस बेसिस पे होता है, और दैट इज रिएक्टिव पावर कंट्रोल के बेसिस पे हम वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो वोल्टेज कंट्रोल है वो जो रिएक्टिव पावर से का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। अब इस लेक्चर में हम बूस्टर ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे। बूस्टर ट्रांसफार्मर के द्वारा भी हम जो है वोल्टेज कंट्रोल करते हैं। तो बूस्टर ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसकी लोकेशन क्या होती है, वो सब हम इस लेक्चर में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बूस्टर ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज कंट्रोल की एक मेथड है, जो कि ये इसकी लोकेशन वहाँ हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे मेन ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं कर सकते। मान लीजिए कि एक ट्रांसमिशन लाइन है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर हम ट्रांसफार्मर यूज़ कर लेते हैं, उसके एंडिंग पॉइंट पर हम ट्रांसफार्मर यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कोई मिड पॉइंट है वहाँ पर हम ट्रांसफार्मर जो है यूज़ नहीं कर पाते। तो मिड पॉइंट पे या कहीं इंटरमीडिएट पॉइंट पे जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, उस पॉइंट पर हमको जो है बूस्टर ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। तो बूस्टर ट्रांसफार्मर जो है, यहाँ पर आप देखें ये बूस्टर ट्रांसफार्मर है। बूस्टर ट्रांसफार्मर होता है एक सिंपल ट्रांसफार्मर ये, जिसकी जो सेकेंडरी होती है वो सीरीज में कनेक्टेड होती है लाइन की, जिसमें कि वोल्टेज ड्रॉप होता है या फिर हमें जिसमें वोल्टेज कंट्रोल हमें करना होता है। और जो बूस्टर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी होती है वो सप्लाई की जाती है एक रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के द्वारा, दिस इज रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर, और वो फिटेड होती है ऑन लोड टेप चेंजिंग गियर, यानी कि हम ऑन लोड में उसके जो प्राइमरी में जितना वोल्टेज फिट कर रहे हैं वो हम चेंज कर सकते हैं विद टेप चेंजिंग गियर के द्वारा। जो बूस्टर ट्रांसफार्मर है वो इस तरीके से कनेक्टेड होता है लाइन में कि जो लाइन के साथ जो है वो इन फेज वेक्टर एडिशन होता है उसका, मतलब जो वोल्टेज है लाइन के ऊपर और जो बूस्टर ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज जनरेट होता है वो दोनों फेज में होते हैं, और फेज में होने के कारण जो है वो एडिशन हो जाता है उन दोनों वोल्टेज का। तो मान लीजिए कि ए ए टर्मिनल से तो हमने मेन ट्रांसफार्मर से वोल्टेज मेंटेन करा, लेकिन इंटरमीडिएट पॉइंट बी बी तक आते आते मान लीजिए कि कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो अब हम इस रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर बूस्टर ट्रांसफार्मर की मदद से हमने कुछ बूस्टर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में कुछ वोल्टेज जनरेट करा, तो जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ किसी लाइन के ऊपर लाइन के इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के कारण, उतने ही वोल्टेज को अगर हम इंजेक्ट कर देंगे बूस्टर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से, तो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कंपनसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ही हम जो है वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करते हैं। अब आप देखें ये रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर जो है ये, और इसमें जो है ऑन लोड टैप दिए हुए हैं। तो ऑन लोड टैप से क्या होता है कि हम जो है जितना वोल्टेज हमें इंजेक्ट करना होता है उसको भी हम कंट्रोल कर पाते हैं। तो रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर और साथ में बूस्टर ट्रांसफार्मर, ये दोनों जो है एक सिंपल मेथड है वोल्टेज कंट्रोल की, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। उसमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो हम देखते हैं। इसके मेनली थ्री डिसएडवांटेजेस हैं। पहला, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है देन ऑन लोड टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। ऑब्वियसली बात है, एक्स्ट्रा मशीनरी लग रही है तो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई सही। सेकेंडली, ये जो है कम एफिशिएंट, क्योंकि बूस्टर ट्रांसफार्मर रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर में काफ़ी ज़्यादा आपके लॉसेस भी होंगे तो हमारी एफिशिएंसी भी कम होगी। एंड थर्डली, मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड, हमें बहुत ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होता है इस बूस्टर ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करने के लिए। आप फिगर 15.8 में देख सकते हैं कि ये थ्री फेज बूस्टर ट्रांसफार्मर है जो किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पे जो है यूज किया जाता है। पर इन डिसएडवांटेज के होते हुए भी कई बार जहाँ पे आप दूसरे फेज से जो है वोल्टेज को आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर आपको बूस्टर ट्रांसफार्मर जो है वो यूज हम करते ही करते हैं, वहाँ हमारे लिए जरूरी होता है इतने सारे डिसएडवांटेजेस के बाद। सो दिस इज योर बूस्टर ट्रांसफार्मर, और ये हमेशा इंटरमीडिएट पॉइंट या कोई मेड पॉइंट पर ही बूस्टर ट्रांसफार्मर का यूज होता है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग पॉइंट पर। स्टार्टिंग पॉइंट में तो हम मेन ट्रांसफार्मर के द्वारा जो है
जो एंडिंग पॉइंट पर जो हमारे मेन ट्रांसफार्मर के जो द्वारा हम जो है वो वोल्टेज कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट पॉइंट पर अगर हमें वोल्टेज कंट्रोल करना होता है तो हम बूस्टर ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड फॉर वोल्टेज कंट्रोल। और होपफुली ये बूस्टर ट्रांसफार्मर के बारे में एक स्लाइट इंट्रोडक्शन था, आपको इसका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और इम्पोर्टेंट होगा। और एग्जाम में कभी हो सकता है कि शॉर्ट नोट के तौर पर जो है ये कुछ इसके ऊपर आ जाए कि आप बताइए बूस्टर ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो एक शॉर्ट नोट के तौर पे ये सिंपल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये वन ऑफ द मेथड है वोल्टेज कंट्रोल मेथड की। थैंक यू।